बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे ओवर लेक्चर नंबर इज 7, चैप्टर 3 ऑफ एमजीएम 211, 3-2-2-3-2-2-4-2 एंड एमजीटी 331। कानून तलब की तारीफ, मफरूजात और मुस्तस्नियात। डेफिनेशन ऑफ अजम्पशंस, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। बेसिकली अगर हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम देखें कि तलब आम रोज़मर्रा बोलचाल में तलब से क्या मुराद है, तो रोज़मर्रा बोलचाल में तलब से मुराद किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश, इरादा या आरजू लिया जाता है। मसलन हर शख्स चाहता है कि उसके पास उम्दा गाड़ी हो, कोठी हो, आला लिबास हो और बैंक बैलेंस हो। तो ये हर बंदे की ख्वाहिश है, इरादा है या आरजू है। लेकिन मुआशियात में ये ख्वाहिश, इरादा या आरजू तलब नहीं कहलाती। मुआशियात में तलब से क्या मुराद है? मुआशियात में तलब से मुराद किसी शय की वो मकदार है जिसे कोई फ़र्द या अफराद किसी ख़ास कीमत पर किसी ख़ास अरसे वक़्त के दौरान ख़रीदने का इरादा और ताकत रखता या रखते हों। मुआशियत में हमारी ख्वाहिश उस वक़्त तक तलब नहीं बन सकती जब तक ये दो शरायत पूरी ना हो, जब तक दो शरायत इसमें पूरी ना हो, एक ख़रीदने की कुव्वत और दूसरा ख़रीदने का इरादा, यानी पावर टू परचेज एंड इंटेंशन टू परचेज। अब पावर टू परचेज यानी ख़रीदने की कुव्वत से क्या मुराद है? इंसान की ख्वाहिश उस वक़्त तलब बनती है जब इंसान में उस ख्वाहिश को पूरा करने की ताकत मौजूद हो, यानी उसके पास रुपया पैसा हो। मसलन एक शख्स गाड़ी ख़रीदना चाहता है लेकिन वो गाड़ी ख़रीदने की कुव्वत नहीं रखता, यानी कीमत अदा नहीं कर सकता, यानी उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ये उसकी तलब नहीं कहलाएगी। तलब उस वक्त होगी जब उसके पास ख़रीदने की कुव्वत हो, यानी रुपया पैसा हो। और दूसरा है ख़रीदने का इरादा। मुआशियत में किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, हासिल करने के लिए उसकी ख्वाहिश उस वक़्त तलब बनती है जब वो शख्स रकम खर्च करके उस शय को ख़रीदने का इरादा भी रखता हो। यानी सिर्फ ख़रीदने की कुव्वत ही काफ़ी नहीं है, ख़रीदने का इरादा भी हो। मसलन एक अमीर आदमी है, उसके दिल में कार ख़रीदने की ख्वाहिश है और वो कार ख़रीदने की ताकत भी रखता है, यानी पैसा भी है उसके पास। लेकिन अगर वो रकम खर्च करके कार हासिल करने का इरादा नहीं रखता तो उसकी ये ख्वाहिश तलब नहीं कहला सकती। तो मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि मुआशियत में तलब के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक ख़रीदने की कुव्वत हो और एक ख़रीदने का इरादा हो। अगर अकेले कुव्वत है, इरादा नहीं, फिर भी तलब नहीं होगी, और अगर ख़रीदने का इरादा है लेकिन कुव्वत नहीं है तो फिर भी तलब नहीं होगी। उसके बाद कानून तलब प्रोफेसर मार्शल ने कानून तलब की तारीफ ये की है कि अगर बाकी अमूर बदस्तूर कायम रहें, यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बाकी अमूर बदस्तूर कायम रहें, इसका मतलब है इसके मफरूजात हैं, इस कानून के कुछ फ़र्ज की हुई चीज़ें हैं। अगर बाकी अमूर बदस्तूर कायम रहें तो किसी शय की कीमत कम हो जाने से उसकी तलब बढ़ जाती है और कीमत बढ़ जाने से तलब कम हो जाती है। और प्रोफेसर फर्गोसन ने भी तारीफ़ की है और लोगों ने भी बहुत सी तारीफ़ें की हैं इसकी, सिंपलेस्ट ये आपके सामने मैंने तारीफ रखी है। तो कानून तलब के मुताबिक किसी शय की तलब में तब्दीली कीमत के उलट होती है, यानी कीमत और तलब में एक माकूस यानी उलट तलब है, या दोनों में तब्दीली एक दूसरे के उलट होती है, यानी कीमत गिरने से तलब ज़्यादा और कीमत बढ़ने से तलब कम। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस निस्बत से कीमत बढ़े उसी निस्बत से तलब कम हो। मसलन अगर किसी शय की कीमत पहले से निसफ हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि तलब की मकदार निसफ रह जाए, किसी भी और रेशो से चेंज हो सकती है। यानी सिंपल कहने का मतलब यह है कि कानून तलब में कीमत और तलब एक दूसरे के उलट है। कीमत बढ़ती है तो तलब घटती है, कम होती है, और तलब कीमत कम होती है तो तलब ज़्यादा हो जाती है। माकूस उलट ताल्लुक, इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों का। अब इसी को
हम कानून तलब को एक गोशवारा की मिसाल लेते हैं, ये गोशवारा आपके सामने है, गोशवारा की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि चीनी की कीमत जो है 70 रुपये किलोग्राम के हिसाब से है, तो अगर 70 रुपये कीमत है तो फ़र्ज़ तलब इसकी फ़र्ज़ करें 10 किलोग्राम है। अगर कीमत कम होकर 60 रुपये हो जाती है तो इसकी तलब बढ़ जाती है 10 से 15 किलोग्राम, और अगर मज़ीद कीमत कम होती है 50 रुपये तो हम सपोज़ करते हैं कि तलब बढ़ जाती है 20 किलोग्राम तक, और अगर मज़ीद कीमत 40 रुपये हो जाती है और कम हो जाती है तो चीज़ की तलब 25 किलोग्राम। देखिए जैसे जैसे कीमत कम होती चली जा रही है वैसे वैसे इस चीनी की या कोई भी शय हो उसकी तलब में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये बात वाजह है कि कीमत में कमी से तलब में इजाफा और कीमत में इजाफा से तलब में कमी वाक़ होती है। उसके बाद इसी गोशवारा की हेल्प से हम डायग्राम बनाते हैं कि तलब का कानून तलब का डायग्राम जो गोशवारा में उन्हीं फिगर्स को सपोज कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस आपका कीमत है और वाई एक्सिस आपके पास तलब है, तो ये भी उसी तरह कीमत रुपयों में और तलब किलोग्राम में है। तो इसमें यूज शो किया गया कि जैसे कीमत इसकी जो है 70 रुपये है, तो देखिए 70 को हमने ये 70 रुपये कीमत अगर है इसकी, ये आपके पास 70 रुपये कीमत, तो इसको हमने तलब इसकी है 10 रुपये 10 किलोग्राम, यानी 70 को और 10 को हमने ये डॉटेड से आपस में मिला दिया। और अगर कीमत कम होती है 60 रुपये तो फिर इसकी तलब आपके बढ़ के 10 से बढ़ के 15 किलोग्राम हो जाती है, ये हमने इस डॉटेड से इसको मिला दिया और ये कॉर्नर को हमने ये दायरा लगा दिया। इसी तरह कीमत अगर 50 रुपये मज़ीद कम होती है तो मज़ीद कीमत कम होने से आप तलब में इजाफा हो रहा है 20 किलोग्राम हो जाती है, और अगर हम 40 रुपये कीमत कर देते हैं कि यानी कीमत कम होकर मज़ीद 40 रुपये हो जाती है तो ये जनाब इसकी तलब आपके पास 25 किलोग्राम हो जाती है। अगर हम इसको देखें तो ये जैसे जैसे कीमत यहाँ से कम होती चली जा रही है वैसे वैसे जैसे जैसे ये कीमत कम होती जा रही है वैसे वैसे इसकी तलब में इजाफा होता चला जा रहा है, 10 किलोग्राम फिर 15 किलोग्राम 20 किलोग्राम और 25 किलोग्राम, और जहाँ ये आपस में पॉइंट्स मिल रहे हैं ये डॉटेड जो डार्क डॉटेड हैं तो इन डॉटेड को हमने एक इस तरह ये मिला दिया आपस में, तो ये डी डी बार ये इस खत को हम कहेंगे, यानी खत तलब बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है, ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है, तो लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ इसका रुझान है या रुझान है ट्रेंड है, यानी डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ, यानी जैसे जैसे ये देखिए कीमत गिर रही है वैसे वैसे इसकी तलब में इजाफा हो रहा है, तो ये नेगेटिव ट्रेंड को शो कर रहा है, खते तलब का रुझान मनफी होता है लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ। ये हम गोशवारा और ये हमने डायग्राम ये दोनों इनकी मदद से इसको एक्सप्लेन किया अभी कानूनी तलब को। अच्छा कानूनी तलब में हमने डिस्कस किया था, शर्त लगाई थी कानूनी तलब जब बयान किया कि ये ऐसी सूरत हाल में सही साबित होता है जब बाकी अमूर बदस्तूर कायम रहें, यानी बाकी अमूर बदस्तूर कायम रहें उनमें कोई चेंज ना आए, कुछ हालात ऐसे हैं जिनमें कोई चेंज ना आए, यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो फिर ये कानून सच साबित होगा। इस जुमला से कई बातें मुराद हैं जिन्हें इस कानून की हदबंदियाँ भी कहते हैं, शरायत भी कहते हैं और मफरूजात भी कहते हैं। मतलब इसमें पहला फ़र्ज़ की चीज़ है कि सार्फिन की आमदनी ना बदले, नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। इस कानून का जायज़ा लेते वक्त हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि सार्फिन की आमदनी में कमी बेशी ना हो, क्योंकि अगर इधर किसी शय की कीमत बढ़ जाए लेकिन दूसरी तरफ सार्फिन की आमदनी भी बढ़ जाए तो सार्फ की तलब कम नहीं होगी, उसी तरह अगर कीमत गिर जाने के साथ सार्फ की आमदनी भी पहले से गिर जाए तो तलब नहीं बढ़ेगी, यानी शर्त यह है कि सार्फिन की आमदनी जितनी है उतनी ही रहे, तो कीमत में कमी से तलब में इजाफा और कीमत में इजाफा से तलब में कमी होगी। दूसरा है सार्फिन की पसंद आदात और फैशन ना बदले,
यानी नो चेंज इन लाइकिंग हैबिट्स एंड फैशन ऑफ कस्टमर्स, कानून तलब सिर्फ उसी वक्त सही साबित होता है जब सार्फिन की आदत फैशन ना बदलें और पसंद भी ना बदलें। क्योंकि अगर सार्फिन किसी शय को पहले से ज़्यादा पसंद करने लगें या सार्फिन की आदत व फैशन में तब्दीली आ जाए तो कीमत ज़्यादा होने के बावजूद उनकी तलब में कमी नहीं होगी, और अगर किसी चीज़ का फैशन ख़त्म हो जाए तो उसकी कीमत कम हो जाने के बावजूद तलब नहीं बढ़ेगी। तीसरा हमारे पास अजम्पशन फ़र्ज किया हुआ है इसमें कानून तलब के मफरूजात में, नो चेंज इन प्राइस ऑफ अल्टरनेट गुड्स, यानी मुतबादल अशिया की कीमतें ना बदलें। अगर किसी शय की के बदल मौजूद हों, मुतबादल चीज़ें बदल मौजूद हों, तो उन मुतबादल अशिया की कीमतों में इजाफा या कमी का रुझान उस शय की तलब को भी ज़्यादा या कम कर सकता है। चुनांचे कानून तलब को सही साबित करने के लिए फ़र्ज़ किया गया कर लिया जाता है कि मुतबादल अशिया की कीमतें नहीं बदलती, फिर ये कानून सच साबित होगा। फोर्थ नंबर पे है, ऑल यूनिट्स आर होमोजीनियस, यानी तमाम इकाइयाँ यकसा किस्म की हों। कानूनी तलब के मफरूजात में ये भी शामिल है कि सरफ की जाने वाली अशिया यानी इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की तमाम इकाइयाँ एक ही नौइयत की होती हैं, उनकी शक्ल वज़न और जायका में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर पहले चंद इकाइयाँ बद शक्ल और बेजायका हों तो उनसे अफादा कम होगा और उनकी कीमत कम हो जाने से तलब में इजाफा ना होगा, और अगर बाद की इकाइयाँ खुश जायका और बेहतर हों तो उनकी कीमत ज़्यादा होने के बावजूद तलब में कमी बेशी नहीं आएगी। तो ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट है इसमें, शय का नया बदल पैदा ना हो, नो क्रिएशन ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट। कानून तलब के दुरुस्त होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि मतलूबा शय का कोई नया बदल सब्स्टिट्यूट पैदा ना हो, क्योंकि अगर शय का ऐसा बदल मालूम किया जाए जो ज़्यादा मुफीद और सस्ता हो तो उस शय की तलब कुदरती तौर पर कम हो जाएगी। सिक्स नंबर पर है हमारे पास अजम्पशन कानून तलब की, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ करेंसी, यानी रुपए की कदर में वैल्यू ऑफ करेंसी, रुपए की कदर में कमी बेशी। कानून तलब बयान करते वक्त ये फ़र्ज कर लिया जाता है कि मुस्तकबिल में करेंसी की कदर में कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि अगर रुपए की कीमत में कमी का अंदेशा हो तो लोग अशिया की तलब कम नहीं करेंगे, क्योंकि कमी के बाद अशिया की कीमत बढ़ जाने का खदशा होता है। इसके बरक्स अगर तवक्को हो कि मुल्की करेंसी की कदर बढ़ जाएगी तो लोग अशिया की तलब घटा देते हैं, कम कर देते हैं। सेवन्थ नंबर पे अजम्पशन है, नो चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, यानी सार्फिन की तादाद ना बदले, यानी चीज़ों को इस्तेमाल करने वालों की तादाद में कोई तब्दीली ना हो। कानून तलब उस वक्त दुरुस्त साबित होता है जब सार्फिन की तादाद में कोई तब्दीली ना हो, क्योंकि अगर सार्फिन की तादाद में इजाफा हो जाए तो बाज़ अशिया की कीमत में इजाफा होने के बावजूद तलब कम नहीं होगी। मसलन जिस तरह पाकिस्तान में अफगान मुहाजरीन की आमद से चीज़ों की कीमतों में इजाफा के बावजूद तलब में कमी वाक़ नहीं हुई। एट नंबर पर है इसके अजम्पशन फॉर फ्यूचर, मुस्तकबिल का ख्याल रखते हुए। मुस्तकबिल कैसे जी, कि कानून तलब के सही साबित होने के लिए ये भी फ़र्ज़ किया गया है कि मुस्तकबिल के हालात में किसी किस्म की तब्दीली का अमकान ना हो, क्योंकि अगर मुस्तकबिल में हालात बिगड़ जाने से कीमत में इजाफा होने या सख्त किल्लत पैदा होने का अंदेशा हो तो कीमत में इजाफा हो जाने के बावजूद दूर अंदेश लोग उसे ज़्यादा मकदार में ख़रीदेंगे। मसलन पिछले दिनों आटे की किल्लत के पेश नज़र लोगों ने इस मरतबा गंदम ज़्यादा मकदार में ख़रीद कर ज़खीरा कर ली, स्टोर कर ली, और मौजूदा हालात में चीनी की कीमत में आए दिन इजाफा की वजह से भी लोगों ने उसे ज़खीरा किया और मुनाफा कमाया। नाइन नंबर पे अजम्पशन, शय का इस्तेमाल बायस इम्तियाज ना हो, यूज़ ऑफ गुड्स नॉट इनडिस्क्रिमिनेट। कानून तलब के सही होने के लिए एक शर्त ये भी है कि मतलूबा शय ऐसी ना हो जिसे इस्तेमाल करने से दूसरे लोगों पर बर्तरी का एहसास होता हो, क्योंकि ऐसी सूरत में शय की कीमत खाद कितनी भी बढ़ जाए, जो लोग अपने आप को दूसरों से मुमताज़ और दूसरों से बढ़तर रखना चाहते हैं, बेहतर रखना चाहते हैं, वो इसकी तलब कम नहीं करेंगे। तो ये चंद मफरूजात थे हमारे पास कानून तलब के। तो जहाँ पर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं कि ये अगर होंगी, फ़र्ज़ की गई हैं, तो इनकी मौजूदगी में कानून तलब सच साबित होगा वरना नहीं सच साबित होगा। तो इसके बाद कानून तलब के मुस्तस्नियात या हदूद। अजान आ रही है जी, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं।